प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहु। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का दरबार, जो बहराइच जिले में पड़ता है। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको ले चलते हैं हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के हर एक दरबार के हर एक चीज दिखाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के दरबार में लाखों मरीज आते हैं, लाखों दीवाने आते हैं, शिफा पाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आराम न हो जिसको सारे जमाने से, आराम न हो जिसको सारे जमाने से, वो आ जाए गाजी के आस्थाने पे। दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब हजरत मौला अली शेर खुदा के आल हैं, बरहवे पुश्त हैं। दोस्तों, आपका ये जानकर खुशी होगी कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के दरबार में इंसान तो इंसान है, आम इंसान, यहाँ वली भी आते हैं सदका मांगने, करम मांगने, यहाँ पे उनकी झोली भरी जाती है हर साल। दोस्तों, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का साल में एक बार मेला लगता है, जेठ मेला, जो जेठ मेला लगता है हर मई के महीने में। दोस्तों, आप जब भी बहराइच शरीफ आए तो जेठ मेले में आए। और दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में, इसी वीडियो में हम ले चलते हैं आपको दरबार के हर एक चीज, हर एक नज़ारा दिखाएंगे और दोस्तों बताएंगे कि आपको यहाँ आकर क्या करना है। इसी वीडियो में अभी अभी देख चुके हैं आपको हजरत महबूब साहब रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का दरबार दिखा होगा, जहाँ खजूर का पेड़ लगा है, जंजीरी फाटक दिखा होगा, जहाँ तमाम तरीके के जंजीर लगे हुए होंगे। अब आपको हम ले चलते हैं नाल गेट की तरफ, जहाँ नाल से लगा हुआ तमाम नाल लगा होगा और उसी नाल गेट पर लोग माथा टेकते हैं, सलाम दुआ करते हैं। वैसे तो सबसे पहले अगर आप जंजीरी फाटक पर पहुंचे तो वहीं सलाम दुआ पेश करें, उसके बाद आप नाल गेट पर अपनी माथा रखें, कदमबोशी करें और इजाजत दें अंदर जाने के लिए। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो आप जाकर उलमा इकराम से दरख्वास्त लिखवाइए और उसके बाद आप अपनी परेशानियों को बताइए। और दोस्तों, अपने नाम का, अपने कागज का कागज बनवाइए। कागज बनवाने के बाद आप दोस्तों वहाँ पे आपको भी दिखाएंगे, संदल का पेड़ लगा होगा, संदल के पेड़ पे तमाम तरीके धागे और फीता चुट्टी बंधी हुई, जो मन्नत मांगते हैं अपने काम का, यहाँ पे धागा बांध जाते हैं, चुट्टी बांध जाते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको खोल देते हैं आकर। दोस्तों, यहाँ पे हर साल बड़े धूमधाम का मेला लगता है, लाखों की तादाद में दोस्त हर इतवार को आते हैं। दोस्तों, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का एक खास करम है, यहाँ पे हर साल आँखों से अंधे ठीक होते हैं, हाथ पैरों से कोड़ी ठीक होते हैं, जो भी औलाद होते हैं वो औलाद पा जाते हैं। ये बाबा साहब का हर साल का करामत है। ये करामत देखना है तो आप जेठ मेले में जरूर आए। जिस दिन बाबा साहब का बारात आता है, पहला बारात आता है, लाखों दीवाने झूम झूम कर आते हैं, गाजे बाजे के साथ आते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि वहाँ से थोड़ी दूर पर जंजीरी फाटक से बाहर हम सब के आका हुजूर ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम रसूल है, जहाँ पे कदम रसूल बनाया गया है। वो आका जो दो जहान के मालिक हैं, नबियों के सरदार हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं, हम जिनके उम्मत में हैं, जिनके लिए दोनों जहान बने हुए हैं। दोस्तों, वो आका का कदम है। अगर आप बहराइच शरीफ में आए तो उस दरबार में जरूर जाएं, कदम बोसी करें, कदम रसूल चूमे, दस्तक चूमे, अपनी दीन की, आखिरत की दुनिया जगमगा ले। बड़ी खुशनसीबी होगी कि आप उस दरबार में आएंगे। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं जो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, पहुंचा दिए हैं और आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं।
और आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम दोनों माशाल्लाह बहुत खुश नसीब हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो कमेंट में माशाल्लाह सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप कदम रसूल आए तो जियारत करें। और दोस्तों वहाँ से थोड़ी दूर पर अनारकली तालाब पड़ता है, उस अनारकली में लोग जाते हैं, नहाते हैं, शिफा पाते हैं। दोस्तों वहाँ नहाने का तरीका है कि वहाँ अंडरवियर पहनकर ना नहाए, कुछ साबुन शैम्पू ना इस्तेमाल करें, कि वो शिफा खाना है, वो कोई आम तालाब नहीं है, उसमें अल्लाह का करम है। हजरत सैयद सालार मकसूद भाई सरकार की दुआएं हैं, करम है। दोस्तों उसमें नहाने से आपको तमाम तरीके से वैसे भी बीमारी पकड़ धकड़ कहीं भी आराम ना हो तो आप उसमें नहाए, आपको उसमें नहाने से शिफा मिल जाएगा। हालांकि शर्त यह है कि उलमा से ये पूछें कितनी बार नहाना है कितनी बार नहीं नहाना है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह बड़ी खुश नसीबी होगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं, आप हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के बारात में जरूर आए। साल में एक बार लगता है जेठ मेला, लाखों दीवाने धूमधड़ाके से आते हैं, अपनी अपनी मन्नत पूरा करके ले जाते हैं। दोस्तों पैदल दूर दराज से लोग आते हैं और आलम लेकर आते हैं, झंडा लेकर आते हैं, बारात लेकर आते हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला हम हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का और भी जानकारी देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। जिसे देखो जिसे देखो वो है दीवाना, मेरे मसूद जी का, मेरे मसूद गजी का।